स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। इलेक्शन कमीशन ने सामने बोल देना चाहिए, आपको चाहिए ना वोटिंग की गिनती, हम करते हैं। तीन महीने तुम चुनाव ले सकते हो, 3 महीने, और अगर काउंटिंग के लिए आपको 2 दिन लगे तो आपको बहुत ज्यादा दिन लगे ऐसा लगता है क्या? सनातन धर्म का अर्थ अगर मुझे कोई समझा दे, हिंदू धर्म ये परिवर्तनवादी धर्म है, इसमें 5000 सालों में बहुत परिवर्तन आए। ये अचानक हिंदू धर्म को बाजू में रख के ये सनातन शब्द का इस्तेमाल कैसे होने लगा, क्यों होने लगा, कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हो आप, हमको समझाइए। हमको, हमारा कोई सनातन शब्द को विरोध नहीं है, पर सनातन का शब्द का अर्थ क्या है एक बार गवर्नमेंट समझा देगी पूरे देश को तो हम मान लेंगे, लेकिन शब्द का अर्थ तो समझाओ। राम मंदिर पे राजनीति बड़े पैमाने पे की गई, उसके ऊपर मोदी जी ने ये कहा राम मंदिर जिस दिन बन गया उसी दिन राजनीति खत्म हो गई, और चंद वोटों के लिए बहुत जनों ने जो आमंत्रण दिया गया था राम मंदिर को। देखो पहली चीज, ये आमंत्रण की जो व्यवस्था थी उसके विरोध में हूं, यही बात थी कि किसको बुलाना, किसको मंदिर में लेना, ये तुम्हारे हाथों में नहीं है, आप कौन होते हो तय करने वाले। बाबा साहब अंबेडकर ने इसका ही विरोध किया था कि आप चुन चुन के लोगों को अंदर नहीं ले सकते हो, मंदिर में प्रवेश करने का, किसने प्रवेश करने का, ये आपको अधिकार नहीं है बोलने का, आप कौन होते हो। राम ने कुछ संदेशा भेजा क्या कि मेरे यहाँ इन इन लोगों को बुलाओ? अरे मैं भी जा सकता हूँ, तुम भी जा सकते हो, वो भी जा सकता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देखकर और कालाराम मंदिर में जाकर मंदिर प्रवेश खुला कर दिया, यही प्रथा थी ना कि हम बुलाएंगे तो आना, वरना मत आना मंदिर में। 5000 साल इस देश में यही चला, मंदिर के व्यवस्थापन ने एक समाज के एक घटक को अंदर ही नहीं आने दिया, इसका विरोध है। जिसको चाहे, जो मर्जी चाहे आ जाए मंदिर में, ये मंदिर उसका है, भगवान श्री राम सबके हैं। जिस आदमी ने यह रामायण लिखा वो वाल्मीकि कौन थे? ऐसा है कि भारत की, महाराष्ट्र की भूमिका रही है कि दिल्ली के तख्त के सामने हम झुकेंगे नहीं, शिवाजी महाराज से लेकर संभाजी महाराज तक, और उनकी ही मिट्टी, पैर को लगी हुई मिट्टी हमारे सीने पे है। उस सिंहासन के जो वारिसदार है, कम से कम उस सिंहासन की कीमत तो पहचाननी चाहिए। कीमत पैसे में नहीं होती है, उसकी एक बड़ी कीमत है जो महाराष्ट्र की शान है। जिन्होंने दिल्ली के तख्त को कहा था कि मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा, मैं आपका सेवक नहीं बनूंगा, अरे अगर अलेक्जेंडर को पोरस उस जमाने में बोल सकता है, अगर मेरे से बात करनी है तो मैं भी राजा हूँ, आप भी राजे हो, इज्जत से बात करो,
इधर तो ये हमारे उदेंद्रा जी ये 6 दिन दिल्ली में बैठ के दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो। ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सर, महाराष्ट्र में जो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके भाषण और उनके सभा की मांग बढ़ी है क्या? अरे उनके उनके सभी महाराष्ट्र के जो उनके उम्मीदवार हैं, चाहे किसी भी पार्टी को, सबको मालूम है कि बाकी किसी को बुलाएंगे तो वोट ही कट जाएंगे, क्योंकि किसी सबके ऊपर गद्दारी का थपका लग गया है। 50 कोका और ये खून का सत्यानाश करने वाले, तो इनको बुलाएंगे तो लोगों में गुस्सा पैदा हो जाएगा, इनको बुलाते ही नहीं है।